जनपद फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां पर एंटी नारकोटिक्स के विरुद्ध एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में एसपी ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सिरसागंज पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट बरेली को मुखबिर ने सूचना दी कि मादक पदार्थ को बिक्री करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गांजे की तस्करी करने के लिए होंडा सिटी कार में बड़ी खेप लेकर जा रहे हैं। तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले चारों अपराधियों को 2 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजे के साथ नगला चतुरी सैमरा आतिकाबाद टोल प्लाजा के पास धर दबोचा है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। देखिए, एंटी नारकोटिक्स टीम जो बरेली यूनिट की है, उसके पास इनपुट था कि सिरसागंज क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की, नारकोटिक्स की, कहीं ना कहीं से लाई जा रही है। इस सूचना पे बरेली यूनिट की टीम यहाँ आई और उसके बाद एसएचओ सिरसागंज, सीओ सिरसागंज और इनकी टीम ने मिलकर के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और उस गिरफ्तार व्यक्तियों उसके पोजीशन से 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।